So in this class, we'll be discussing type 2. Type 2 is basically linear factors with power. क्या अगर हमारे पास linear factors हों और उसके ऊपर power? इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि अगर हम 1/x +2/x² का एलसीएम लें तो ये आपका x² ही आएगा। क्योंकि x जो है वो इसके अंदर लाई करता है, तो इसका मतलब अगर मैं x² को तोड़ूंगा तो x भी लिखूंगा और x² भी लिखूंगा। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो जनाब यहाँ पर हमारे पास लीनियर फैक्टर मौजूद है और होल पावर के साथ है। उस सूरत में a/ पहला फैक्टर जो कि लीनियर है, b/ दूसरा फैक्टर है तो लीनियर लेकिन पावर स्क्वायर है। पावर स्क्वायर का मतलब है इसको एक मर्तबा नहीं बल्कि हम दो मर्तबा को लेंगे, एक दफा सिंगल पावर के लिए और एक दफा डबल पावर के लिए। तो अगर क्यूब होता तो एक दफा सिंगल पावर के लिए, फिर डबल पावर के लिए और फिर ट्रिपल पावर के लिए। बात समझ आ रही? तो अब सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम एलसीएम लेंगे या ये कहो के हम लेफ्ट साइड के अपॉन को राइट साइड पे ले जाकर मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ए से मल्टीप्लाई होगा x-1 का होल स्क्वायर, बी से मल्टीप्लाई होगा x+1 और x-1, और सी से मल्टीप्लाई होगा x-1। इसमें हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा a² - 2ab + b², ये हो जाएगा a² - b², और ये तो एडिटिव कॉपी हो जाएगा। ये हो जाएगा जनाब ax² - 2ax + a प्लस bx² - b + cx - c। तो जनाब ये हो जाएगा a + b x² फिर ये हो जाएगा -2a + c x और फिर ये हो जाएगा a - b + c। तो जनाब आपको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए अब हम कंपेयरिंग करेंगे। ओके, नाउ वी डू कंपेयरिंग। सो 1 कंपेयर होगा बेटा a + b से, क्योंकि x² का कोफिशिएंट कंपेयर करना है। 0 कंपेयर होगा -2a + c से, और a - b - 2 कंपेयर होगा a - b + c से। तो बेटा अगर मैं यहां से b निकाल लूं तो ये आएगा 1 - a, यहां से मैं c निकाल लूं तो ये आएगा 2a। तो अब अगर मैं यहां पर a को a रहने दूं
और बी की जगह पर 1 माइनस ए पुट कर दूं और सी की जगह पर 2 ए पुट कर दूं, तो जगह ए माइनस 1 प्लस ए प्लस 2 ए, तो जगह माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 ए। ये जगह जनाब माइनस 1 इज इक्वल टू 4 ए और ए बराबर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 4 के। क्या ये बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर मैं वापस ए को पुट कर दूं माइनस 1 अपॉन 4, जनाब ये हो जाएगा बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस माइनस 1 अपॉन 4, हो जाएगा सी इज इक्वल्स टू 2 ए, ए की जगह आएगा माइनस 1 अपॉन 4, तो जनाब यहाँ से अगर आप बी निकालें एलसीएम लेके ये आएगा 5/4 और आपके पास जो सी की वैल्यू है वो आ जाएगी जनाब माइनस 1 अपॉन 2। क्या ये बात क्लियर है? कोई मसला है इसमें? तो जनाब जब मैं आई को दोबारा लिखूंगा तो लिखूंगा इंटीग्रेट ए माइनस 1 अपॉन 4 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी, बी है 5/4 अपॉन एक्स माइनस 1 तो इनको हम अलग अलग करके लिखें जो हम अलग अलग करके लिखेंगे तो जनाब ये x माइनस 1 जो पावर 2 है इसको ऊपर लेकर आना पड़ेगा कि अपॉन में अगर है तो ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो सकता। तो जनाब इसका आंसर आएगा माइनस 1 अपॉन 4, हो जाएगा एल एन एक्स प्लस 1, हो जाएगा प्लस 5/4 और ये हो जाएगा एल एन एक्स माइनस 1, तो ये बचेगा माइनस हाफ। एक्स माइनस 1 में पावर प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 और अपॉन में भी आएगा माइनस 1 और साथ में लिखेंगे प्लस सी। फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो लिख लें, ये दोनों तो एडिटेड आ जाएंगे। और आगे से हमारे पास लिखा हुआ है प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स x माइनस 1 प्लस सी। क्या जनाब?